बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलवामा से ये बड़ी खबर है। पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलवामा में एक बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पुलिस को 5 से 6 किलो IED मिला है। इशफाक नाम के शख्स को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार भी किया है। आसिफ कुरैसी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया, क्या थी साजिश? बिल्कुल, देखिए विकास, जिस तरीके से सुरक्षा बलों का अभियान पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है और G20 की बैठक को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें कहा गया है कि तलाशी अभियान के दौरान पुलवामा के आरी गांव में इशफाक अहमद वानी नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ जब हुई तो उसी ने बताया कि एक IED तैयार किया गया है जिसका वजन तकरीबन 5-6 किलोग्राम है और आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों के वाहनों या कॉन्वॉय को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होना है। जिसके तुरंत बाद आरागाम में एक और तलाशी अभियान चलाकर इस आईडी को रिकवर किया गया है और उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया गया है और एक बड़ी वारदात होने से पहले रोक दी गई है, क्योंकि सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट है। काफी ज्यादा इनपुट्स आ रहे हैं कि इस तरीके की कोई घटना कर सकते हैं, इसीलिए घटना होने से पहले ही सुरक्षा बलों ने इसको विफल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस जानकारी के लिए। आसिफ बता रहे हैं इशफाक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पे 6 किलो आईडी बरामद किया गया जिसको निष्क्रिय कर दिया गया है पुलिस की ओर से। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।